किर्गिस्तान की राजधानी बिशेक में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सड़क किनारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लगा हुआ था। सड़क किनारे कई जगहों पर अलग अलग देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे, जिसमें कुछ जगहों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी लगा था, लेकिन ये ध्वज गलत तरीके से लगा हुआ था। जो तिरंगा फहराया गया उसमें ऊपर हरा रंग और नीचे की तरफ केसरिया था, जबकि तिरंगा झंडे में ऊपर की तरफ केसरिया होना चाहिए और नीचे की तरफ हरा रंग। बिश्केक में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स ने पहले इसे देखा और इसकी शिकायत की, तब जाकर बिश्केक प्रशासन ने अपनी गलती सुधारी और तिरंगा झंडा सीधा किया। दरअसल पीएम मोदी की ओर से किर्गिस्तान का यह दौरा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हो रहा है। बिश्केक में आयोजित यह शिखर सम्मेलन 13 और 14 मई को आयोजित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के कई देशों के नेता संघ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। SCO शिखर सम्मेलन में इतर पीएम मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी वह मुलाकात करेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी और हसन रूहानी के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिश्केक में आयोजित शिखर सम्मेलन में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा की स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाने में समेत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।